Assalamu alaikum and a very warm welcome to Dr. Nausheeba Salman and Skin Solutions. कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी स्किन का ख्याल रख रहे होंगे, अपने बालों का ख्याल रख रहे होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे. जी कैसे हैं आप सब लोग और क्या क्या चल रहा है आजकल, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है. तो आप सब ने ये बताना है कि कौन फैन ऑन कर रहा है और कौन फैन बंद कर रहा है, क्योंकि इस वेदर का ये एक बहुत बड़ा इशू होता है. कोई जो है वो फैन चलाना चाहता है और कोई फैन नहीं चलाना चाहता, और एक ही टाइम में इसी बात के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम और बहस चल रही होती है कि चलाना है या नहीं चलाना. तो आप सभी बताइए कि कौन कौन फैन चला रहा है और कौन कौन जो है वो फैन को ऑफ रख रहा है. वैसे ये जो ट्रांजिशन वाला वेदर होता है ये इस लिहाज से बड़ा खतरनाक होता है, बिकॉज इसमें ये होता है कि कभी आपको गर्मी लग रही होती है और कभी आपको नॉर्मल सा अच्छा फील हो रहा होता है, प्लेजेंट फील हो रहा होता है, और फिर आपको ये समझ नहीं आ रही होती है कि आपने क्या करना है, कपड़े कौन से पहनने, अपने आप को कवर करना है या नहीं कवर करना, और यहीं से सारे का सारा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है. इस सारी की सारी चीज के अलावा एक और प्रॉब्लम भी है और इतना कॉमन इशू है जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं. आज हम बात करने वाले हैं सन प्रोटेक्शन पे या फिर सन ब्लॉक पे या फिर ये कि सूरज की श्वाओं से अपनी स्किन को कैसे बचाना चाहिए. जी हाँ, सबसे पहले तो एक बात जो मैं आप सब लोगों को बार बार कहती हूँ लेकिन आज फिर कन्वे करूंगी, वो ये है कि सन ब्लॉक सिर्फ तभी आपको लगाना है जैसे जब गर्मियां हैं, जब सर्दियां आ जाएं तो अब सन ब्लॉक का क्या प्रॉब्लम है कि हम उसको लगाएं, हम उसे क्यों लगाएं. तो ये बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस या फिर कंफ्यूजन्स हैं जो कि मैं सबसे पहले क्लियर करूंगी. सबसे पहले तो ये कि सन ब्लॉक गर्मियों में लगाना चाहिए और सर्दियों में उसकी जरूरत नहीं है, जबकि उसकी जरूरत गर्मियां सर्दियां हर मौसम में रहती है. क्यों? क्योंकि हमने अपनी स्किन को या सन ब्लॉक के थ्रू हमने स्किन को सूरज की श्वाओं से बचाना है. जब सूरज निकल आया, सुबह हो गई, दिन हो गया, तो इसका मतलब है कि आपको सन ब्लॉक लगाना है. अब नीचे बारिश हो रही हो, बादल आए हुए हो, सर्दी हो या गर्मी हो या बाहर का मौसम हो, हमें सन प्रोटेक्शन देना ही है. अब हम आ जाते हैं एक और कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, मैं तो घर में ही रहती हूँ, मैं तो घर से बाहर ही नहीं जाती हूँ, तो मुझे क्यों सन ब्लॉक लगाना है? आपको इसलिए सनब्लॉक लगाना है कि सन रेज जो होती हैं वो मुख्तलिफ तरह की होती हैं. कुछ रेज जो हैं वो रुक जाती हैं और कुछ जो है वो फिर भी खिड़की के थ्रू घर के अंदर आ जाती हैं, और स्किन को बचाने के लिए सनब्लॉक लगाना जरूरी है, चाहे आप घर से बाहर हो चाहे आप घर के अंदर हो. फिर एक और बड़ा ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है, जी हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कौन सा सन ब्लॉक लगाना है, ये केमिकल सन ब्लॉक है, ये फिजिकल सन ब्लॉक है, इसे क्या करना है. जो केमिकल सन ब्लॉक होता है वो ये करता है कि वो आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और जितनी भी सन रेज आती हैं वो उनको एब्जॉर्ब करके और उनको खत्म कर देता है, उनके असर को खत्म कर देता है, ठीक है. और जो फिजिकल सन ब्लॉक होता है वो जब आप फेस के ऊपर लगाते हैं या कहीं पे इस्तेमाल करेंगे तो वो एक तो नजर आएगा, वो अपेरेंट होता है, वाइट सा कलर होता है उसका, वो अपेरेंट होता है. दूसरी बात ये है कि वो रेज को, सन की रेज को स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देता, उनको रिफ्लेक्ट कर देता है, उनको रिफ्लेक्ट कर देता है या रिफ्लेक्ट कर देता है और वहां से हटा देता है. तो ये इन दोनों का डिफरेंस होता है. आपको फिजिकल सन ब्लॉक लगाना है जो नजर आता है, या आपको केमिकल सनब्लॉक लगाना है जो नजर नहीं आता है, बट लगाएं जरूर. आप दोनों में से जो मर्जी लगा लें. फिजिकल तो कोई लगा नहीं सकता, ऑब्वियसली वो पॉसिबल ही नहीं होता, वो नजर आ रहा होता है, वो इस पूरे तरीके से शो हो रहा होता है कि कोई भी लगाना नहीं चाहता. तो उसमें ये है कि आप जो मर्जी लगाएं, जो मर्जी चूज करें, लेकिन आपने सनब्लॉक लगाना जरूर है. फिर आ जाता है कि हम कैसे चूज करें कि मुझे कौन सा सनब्लॉक चाहिए, उसमें कितना SPF होना चाहिए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर तो आप घर के अंदर ही रहते हैं और आपको सन ब्लॉक लगाना है तो फिर आपका जो सन ब्लॉक है वो 50 SPF हो सकता है, और उसको आप रीअप्लाई यानी कि जो दोबारा लगाएंगे वो आप 5 घंटे के बाद लगा लिया करें, और जब मगरिब हो जाती है, सूरज गुरूब हो जाता है, तो फिर आपको सन ब्लॉक की जरूरत नहीं है, फिर उसके बाद आप ना लगाएं. जो लोग बाहर रहते हैं और घर से बाहर निकलना होता है उनका, और उनका काम ही ऐसा है कि आउटडोर एक्टिविटी बहुत होती है जिसमें स्टूडेंट्स भी आते हैं, जिसमें ऐसा काम करने वाले लोग जो कि क्या कहते हैं आउटडोर्स एक्टिविटी करते हैं, जिस तरह मार्केटिंग और इस किस्म के काम जो करते हैं,
इवन जब आप घर से बाहर कोई गेम करने के लिए जाते हैं, वॉक करने के लिए जाते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं, तब भी यही होगा। तो उसमें ये होता है कि अगर आप घर से बाहर हैं और सारा वक्त घर से बाहर हैं या शेड में नहीं हैं और आउटडोर्स ही हैं, तो फिर आप हर 4 घंटे के बाद उसको रीअप्लाई कर लें। फिर आता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ओपन घरों में रहते हैं, जिसमें बड़े बड़े सहन होते हैं, जिसमें बड़े बड़े वरांडास होते हैं, तो उसमें आपने क्या करना है? उसमें फिर आपने ये करना है कि आप हर 3.5 से 4 घंटे के बाद इसको रीअप्लाई कर लें। बेशक आप घर से बाहर नहीं हैं, आप घर के अंदर ही हैं, इंडोर्स हैं, लेकिन आप फिर भी उसको रीअप्लाई कर लें और इसी फ्रीक्वेंसी से आप रीअप्लाई करें, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्या, हमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, हमें समझ ही नहीं आता कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ होता है और ये हमने ये लेना है या क्या लेना है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि SPF फैक्टर जो है वो 50 या 50 से ज्यादा हो। एक और चीज होती है कि इसके ऊपर प्लस का साइन भी डला हुआ हो। प्लस का साइन आपको ये बताता है, SPF आपको बताता है कि UVB रेज जो है उससे ये आपको बचा रहा है, और जो आपका प्लस का साइन होता है वो आपको बताता है कि ये UVA की कवरेज दे रहा है, UVA से भी बचा रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को काफी सारी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस और उसके अलावा मिथ्स और उसके अलावा कन्फ्यूजन्स जो हैं मैंने उनको डिस्कस करने की कोशिश की है। बाकी आप मुझसे क्वेश्चन करते जाएंगे तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। सन रेज से बचना क्यों जरूरी होता है? सन रेज से बचना इसलिए जरूरी होता है कि ये आपकी स्किन में डैमेज करता है। किस किस्म का डैमेज करता है? आपके कॉम्प्लेक्शन को, आपकी टोन को, आपके कलर को खराब करेगा, उसके साथ साथ एजिंग करता है। आप ये देख लें कि जो लोग घर से बाहर कम निकलते हैं या घर से बाहर जाते हैं और सन ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं, आपको उनकी आईज की साइड्स के ऊपर लाइंस नजर नहीं आएंगी, जबकि उनकी एज भी होगी ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद उनकी स्किन के ऊपर आपको जो क्रोस फीट है या आईज के अराउंड जो लाइंस होती हैं वो नजर नहीं आएंगी। लेकिन एक ऐसा बंदा जो सारा दिन बाइक के ऊपर हर रोज जाता है और वो उसके साथ साथ सन ग्लासेस इस्तेमाल नहीं करता और सारा वक्त ऐसे आंखें रखता है और फिर धूप में बाइक चला रहा है या गाड़ी चला रहा है, तो आप देखेंगे कि उसकी स्किन के ऊपर जो आपको झुर्रियां नजर आएंगी, जो आपको लाइंस नजर आएंगी, वो एजिंग से रिलेटेड नहीं होंगी। वो एज कोई और होगी, लेकिन स्किन की एज जो है वो खराब होकर आपको कोई और एज शो कर रही होगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी स्किन को सन रेज से, हार्मफुल सन रेज से बचाएं। अब एक और क्वेश्चन होता है बहुत ज्यादा, नहीं जी मैं तो धूप लेने के लिए, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं तो मैंने ये टॉपिक रखा है, जी सर्दियां हैं तो धूप तो लगानी होती है ना अपने जिस्म को, तो सारे कपड़े आपने पहने हुए हैं और आपके सिर्फ खाली हाथ बाहर हैं और आपका फेस और नेक बाहर है इतनी सी, और फिर आप जो है वो पता नहीं कौन सी विटामिन डी बनाने के लिए बाहर बैठ गए हैं धूप में। जब आप बैठेंगे तो आप याद रखें कि आपकी विटामिन डी तो बननी नहीं है, क्योंकि वो इस तरह से बनती नहीं है। और दूसरी बात ये कि आपने कपड़े पहने हुए हैं तो विटामिन डी कहाँ से बननी है भाई, वो मुंह से तो बनने से रही और सिर्फ हाथों से तो बनने से रही, लेकिन आप देखेंगे कि आपके पूरी की पूरी जो स्किन है वो उसका टेक्सचर भी खराब हो जाएगा, उसका कलर भी खराब हो जाएगा। उसी तरह से हाथ अगर आपके एक्सपोज थे तो हाथ भी खराब हो जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि आपने इस तरह का सन एक्सपोजर नहीं देना। जी साइड चेंज करके बैठती हूँ, जो सूरज की तरफ मुंह करके नहीं, मैं उसको चेंज करके बैक करके बैठती हूँ, जी मैं तो सन ब्लॉक जो है वो लगा के बैठती हूँ, जी मैं ऐसे करके दुपट्टा रख के बैठ जाती हूँ, या इस किस्म की कोई भी चीज, इन सब चीजों से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। सन रेज आपकी स्किन को जरूर खराब कर लेंगी इसी तरह के एक्सपोजर से। तो इन सब बातों का आपको एहतियात करना चाहिए ताकि आपकी स्किन जो है वो एजिंग से भी बचे और उसका कलर और उसका टोन जो है वो भी अच्छा रहे। अब हम आ जाते हैं कि अगर सन डैमेज हो ही गया है स्किन के ऊपर, लेट सपोज कि आप हिली एरिया पे चले गए थे, आप वेकेशन पे चले गए थे, आप बीच पे गए थे और उसके बाद इतना ज्यादा आपको सन टैन हो गया। जब सन टैन हो जाए तो उसके लिए बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप LED थेरेपी, यानी कि रेड लाइट जो है वो ले। रेड लाइट भी कहते हैं, LED थेरेपी भी कहते हैं, लाइट थेरेपी भी कहते हैं, कुछ भी इसको आप कह सकते हैं, तो आप वो लें। जब आप वो लेंगे तो जितना डैमेज होगा वो वहीं पे रुक जाएगा, वहीं पे खत्म हो जाएगा और रिवर्स भी हो जाएगा। अगर आप उसको, उस डैमेज को जो है वो इकट्ठा होने देंगे और एड ऑन होने देंगे, तो फिर आप देखेंगे कि बहुत जल्दी, यानी कि एज से पहले ही आपकी स्किन पे फाइन लाइंस, ओपन पोर्स, सैग और उसके अलावा आपकी जो स्किन की टोन है, जो कलर है, वो खराब होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी चीज होती है कि अगर सन डैमेज हो गया है
तो आप उसको उसी वक्त रिवर्स कर ले। अगर आप रिवर्स नहीं करेंगे तो वो फिर आपकी स्किन को डैमेज करता रहेगा। ये थी जी कुछ जरूरी बातें जो आपसे करनी थी। अब मैं आपको दिखाने लगी हूं, हाँ, एलईडी के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कॉल करके, जो गिवन नंबर्स होते हैं उस पर कॉल करके डिटेल और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब मैं आपको कुछ सनब्लॉक्स दिखाने लगी हूँ, ठीक है। मैं आपको जितने भी सनब्लॉक्स दिखा रही हूँ वो सब के सब केमिकल हैं, बिकॉज जो फिजिकल सनब्लॉक होता है वो इस पूरे तरीके से फेस के ऊपर नजर आता है कि उसे कोई भी यूज नहीं कर सकता, करना ही नहीं चाहता, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये वाला सनब्लॉक दिखा रही हूँ। ये जो है ये 100 SPF है और इसके अंदर UVA का कवर भी है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब हुआ कि इसमें UVA UVB दोनों का कवर है, ठीक है। अच्छा, किसी भी स्किन टाइप पे यूज किया जा सकता है, ऑयली है, सेंसिटिव है, ड्राई है, एजर्ड, मेच्योर, कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। अब मैं आपको एक और दिखा रही हूं, ये वाला सनब्लॉक जो है ये भी इसी किस्म का है। इसमें SPF 60 है लेकिन प्लस के तीन साइंस हैं। इसका मतलब ये है कि UVB का कवर भी है और UVA का भी बहुत अच्छा कवर है, ठीक है। इसमें प्लस के तीन साइंस हैं। इसका जो टेक्सचर है वो इस किस्म का है कि कोई भी इसको यूज कर सकता है, कोई इशू नहीं है, नजर नहीं आता, और कोई इसका टेक्सचर ऐसा नहीं है कि जो ऑयली स्किन वाला लगा लेगा तो स्किन से ऑयल आना शुरू हो जाएगा और ड्राई स्किन वाले ने लगा लिया तो स्किन ड्राई हो गई, ठीक है। अब मैं आपको दिखाने लगी एक और, ये जो है ये वाला सनब्लॉक जो है ये भी SPF 50 है लेकिन इसके ऊपर प्लस का साइन भी है, ये UVA का कवरेज भी देता है। बट ये वाला जो सनब्लॉक है ये इसलिए बहुत अच्छा है कि जिनकी स्किन सेंसिटिव है, जिनकी स्किन ड्राई है, जिनकी स्किन थोड़ी मेच्योर है, वो लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत अच्छा मॉइस्चराइजेशन भी है साथ में, तो आपको एक ही चीज लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रही हूं एक और, इसको देखिएगा आप, ये SPF 50 है, इसके अंदर स्किन ब्राइटनिंग और मॉइस्चराइजेशन भी डलती है, और ये बहुत मजे की चीज है। इसका नाम ही ट्रिपल एक्शन है, ये ब्राइटनिंग भी देती है स्किन को, उसके साथ साथ जो है वो SPF कवर जो है या सन प्रोटेक्शन जो है वो भी देती है, और इसके साथ साथ मॉइस्चराइज भी करती है। तो बहुत मजे की चीज है, कोई भी लगाए नजर भी नहीं आता, एंड इट्स वेरी वेरी यूजर फ्रेंडली, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक और पे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मैं सनब्लॉक लगाती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा कलर डल लग रहा है, मेरी स्किन पे ग्लो नहीं है, मेरी स्किन शाइन नहीं करती है। उन सब के लिए ये है, ये एक इल्यूमिनेटर की तरह से काम कर रहा होता है, ये रेडिएंट लुक देता है, बहुत रेडिएंट लुक आपकी स्किन के ऊपर आपको फील होगा, और बहुत ही जबरदस्त है। इसके अंदर SPF 50 है और साथ में प्लस का साइन है, इसका मतलब है UVA UVB दोनों का कवर देता है, ठीक है। किसी भी स्किन टाइप के ऊपर यूज किया जा सकता है। जिन लोगों को मेकअप करना है उससे पहले वो ये लगाएंगे तो स्किन बहुत ही ग्लोई और पर्ली सी, बहुत ही फ्रेश लुक देगी। फिर मैं आपको एक और सनब्लॉक दिखा रही हूं, ये देखें, इसके अंदर बहुत लाइट सा, जैसे स्किन का कलर होता है ना उस तरह का टेंट है, इस तरह का बहुत लाइट सा, बहुत कम, बहुत हल्का, बहुत ही लाइट सा जो है वो टेंट है, और ये कोई भी लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर ऐसा टिंट है कि मेल नहीं लगा सकते और फीमेल लगाएंगी क्योंकि मेल की स्किन पे नजर आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही स्किन फिनिश है, स्किन के कलर का है, तो जब आप लगाएंगे तो वो जो एक लुक आती है, वाइट कलर की कास्ट आती है, वो इसके साथ नहीं आती है। किसी भी स्किन टाइप पे इसको यूज कर सकते हैं, इसका कोई टेक्सचर नहीं है। ये आप ऑयली स्किन पे भी लगा सकते हैं, एजड मेच्योर स्किन पे भी लगा सकते हैं और ड्राई स्किन पे भी। अब हम आ जाते हैं एक और, ये देखिएगा, ये जो है ये ऑयली स्किन वालों के लिए ड्राई टच सनस्क्रीन है, ठीक है, ड्राई टच है और ये बिल्कुल ड्राई शीयर है, ताकि जिन लोगों की स्किन पे बहुत ज्यादा ऑयल आता है और बहुत ज्यादा जो है वो शाइन करती है और उसके अलावा जो है वो एक्नी प्रोन है, तो उनके लिए ये बहुत ही जबरदस्त है, बिल्कुल ड्राई टच है, और जिन लोगों को पसीना ज्यादा आता है वो लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने लगी हूं एक और सनब्लॉक, बहुत ही जबरदस्त सनब्लॉक है, SPF 70 है, उसके साथ साथ इसके अंदर जो है वो UVA यानी कि प्लस के साइंस भी हैं। ऐसे सब लोग जिनकी स्किन जो है वो ड्राई रहती है, थोड़ी मेच्योर है, वो सब इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही ग्लोई और बहुत ही पर्ली सी लुक जो है वो इसको लगा के आती है, और मोस्ट लाइकली इसके बाद मेकअप की कोई जरूरत रहती नहीं। अब मैं आपको दिखाने लगी हूं ये वाला सनब्लॉक जो है ये ऑयली स्किन वालों के लिए, बिकॉज ये फ्लूइड फॉर्म में है, तो ये ऑयली स्किन वालों के लिए है। जिन लोगों की स्किन ऑयली या एक्नी प्रोन है उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर SPF 50 है और उसके साथ प्लस का साइन भी है।
वो लोग जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ड्राई भी है, सेंसिटिव भी है, किसी को रोजेशिया है, किसी की स्किन एजड है और एक्सट्रीमली ड्राई है, उन सब के लिए ये बहुत अच्छा है। इसका कोई ऐसा टेक्सचर नहीं है कि वो स्किन को क्लॉक करे, स्किन के पोर्स क्लॉक करे, बिल्कुल फ्रेश लुक देगा और उसके अलावा स्किन को जो है वो सेंसिटिव नहीं करेगा, इरिटेट नहीं करेगा। अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ दो ऐसे सनब्लॉक्स जो कि टिंटेड है। टिंटेड का मतलब ये होता है कि उसके अंदर क्या कहते हैं, मेकअप की तरह टिंट डला हुआ होता है, जैसे फाउंडेशन का टिंट होता है उसी तरह से इसके अंदर टिंट डला हुआ होता है। ये जो है ये मैं आपको दिखा रही हूँ टिंटेड सनब्लॉक, इसमें कलर्स अवेलेबल होते हैं, मैं तो एक ही दिखा रही हूँ, इसमें कलर्स अवेलेबल होते हैं। और ये जो है ये थोड़ा सा ऑयली स्किन वालों के लिए, जिनकी स्किन ऑयली है, एक्नी प्रोन है, उनके लिए होता है कि वो इसको लगाएं तो ये ड्राई रखेगा स्किन को, मतलब ऑयल नहीं आने देगा ज्यादा, लेकिन जो लुक है वो बहुत अच्छी होगी। जैसे स्टूडेंट्स हैं और वो रोज कुछ लगा के जाना चाहते हैं ताकि स्किन फ्रेश भी रहे और प्रोटेक्टेड भी रहे, खराब भी नहीं हो, तो उनके लिए ये आइडियल है। अब मैं जो दिखा रही हूँ ये जो लोग चाहते हैं कि जी हम जब लगाएं तो स्किन फिनिश आए और उसके अलावा जो है हमारी स्किन मॉइस्चराइज्ड भी रहे, ठीक है, ये उनके लिए है। इसके अंदर भी आपको टिंट या कलर नजर आ रहा है और इसके अंदर शेड्स भी अवेलेबल हैं, तो ये जिस तरह का चाहिए हो उस तरह का आप ले सकते हैं, ये भी बहुत जबरदस्त है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ बॉडी सनब्लॉक। बॉडी सनब्लॉक मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि वो बहुत ज्यादा लोगों को चाहिए होता है और अच्छे वाले मिलते नहीं हैं या पता नहीं होता कि कौन सा लेना है। जैसे बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं या वो स्पोर्ट्स करते हैं और उनकी पूरी स्किन खराब होना शुरू हो जाती है और मदर्स कहती हैं कि भाई ये तो बच्चा ही नहीं रहा जो मेरा था और ये स्कूल जाता था। तो ये बहुत इजी है लगाना, ये स्प्रे फॉर्म में है या आप बॉडी पे, जैसे आर्म्स पे लगाना है, आपने गेम करनी है, स्पोर्ट्स करनी है तो आप आर्म्स पे लगा लेंगे, ये बहुत आसान है लगाना। दिस इज फॉर बॉडी, ये बॉडी सनब्लॉक है, ठीक है। या फिर बच्चे स्विमिंग पे जाते हैं तो उनको लगाना हो तो ये उनके लिए बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। तो ये मैंने आपको कुछ सनब्लॉक्स जो हैं वो दिखा दिए थे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इतनी ढेर सारी टाइप्स होती हैं सनब्लॉक्स में, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि पेशेंट आके कहता है जी मैंने ट्राई किया, मैंने दो तीन दफ़ा ट्राई किया लेकिन मेरी स्किन को सूट नहीं किया तो मैंने लगाना बंद कर दिया। तो अब लगाना तो है, तो हमारे पास डिफरेंट तरह की वेराइटी है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जो सूटेबल वन है, बेस्ट वन है, आपकी स्किन के लिए आप चूज़ कर सकते हैं।